नमस्कार, आपका स्वागत है नेशन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड के सरायकेला से, जहां खरसावा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस अधीक्षक एम अर्शी के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। पुलिस को नक्सलियों के रोलाहातू इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की। नक्सलियों ने पुलिस के आने की सूचना मिलते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि नक्सली भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अब इलाके में सर्च अभियान चला रही है। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ सरायकेला से हमारे संवाददाता नवीन जुड़े हैं। नवीन, हमेशा से सरायकेला खरसावा जिला जो है वो नक्सलाइट एरिया के तौर पर जाना जाता है, और इससे पहले भी कई बार वहां पर मुठभेड़ हुई है पुलिस और नक्सलियों के बीच। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हमारे सामने वहां से आ रही है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच एक बार फिर वहां पर मुठभेड़ हुई है, क्या वहां पर अभी किसी के हताहत होने की खबर है? क्या कोई पुलिस की वहां पर जो है घायल होने की खबर है? क्योंकि दोनों राउंड में गोलियां चली हैं, क्या किसी पुलिस के वहां पर घायल होने की खबर वहां से आ रही है? कि इस मुठभेड़ में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है नवीन? ऋतिक जी, बता दें कि ये पिछले कई हफ्ताओं से जो है चाईबासा और सरायकेला के बीच में जो है पुलिसिया कार्रवाई नक्सलियों के विरुद्ध चलता रहा है, और उसी क्रम में अभी हाल फिलहाल में ही आपको करीबन कई दर्जनों के संख्या में जो है नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसी क्रम में वहां से नक्सलियों का जो है अब वहां से हटना शुरू किया है, जो कि सरायकेला होते हुए खूटी की रास्ते में जाने के क्रम में जो है महाराज परमानी के दस्ते के साथ सरायकेला के में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ, जो कि लगभग 2 घंटे तक चली। लेकिन उस दौरान में किसी प्रकार की दोनों तरफ की में किसी प्रकार की अप्रिय घटना की जो है सूचना नहीं मिली है। लेकिन यदि लगातार एसपी की जो है लगातार अभी सर्च अभियान वहां जारी है, और इस दौरान में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर उस जखीरे के दौरान में भाग दौड़ के क्रम में कुछ सरायकेला पुलिस को हाथ लगी जी। नवीन, लेकिन वहां पर झारखंड सरकार हमेशा से दावे करती रही है कि सरायकेला खरसावा जो जिला है वो अब नक्सलाइट एरिया से बहुत आगे बढ़ चुका है, वहां पर ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आती है, सरकार का ये दावा है। लेकिन फिर से वहां पर इस तरह पुलिस और नक्सलियों में जो मुठभेड़ हो जाना, और वहां पर यह भी खबर सामने आई कि कोई परियोजना वहां पर चल रही है, कोई काम वहां पर चल रहा है जिसके रोकथाम में वहां पर नक्सली जो है आए दिन पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं, इस पर क्या कुछ वहां पर से निकल कर सामने आ रहा है? पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है नवीन? ये बात तो सत्य है कि जब पुराने सरकार थी उस दौरान में नक्सलियों पर जो है रोकने का काम जो है सरकार ने बहुत ही तेज गति से किया था, तो उस दौरान में यहाँ पर नक्सलियों की गतिविधि भी कम हुई है। लेकिन नई सरकार में नक्सलियों की गतिविधि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जिसमें वो वहाँ उस क्षेत्र में अभी विकास की का भी कार्य मतलब लगातार चल रही है। लंबी दूरी की सड़कें, जैसे चाईबासा से रांची राजधानी को जोड़ने वाली भी सड़कें वहाँ पर बन रही है। इस दौरान में नक्सली लगातार वहाँ के जो है संवेदकों से है आपको रंगदारी भी मांगने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कई बार तो आपको सरायकेला पुलिस ने रंगे हाथ से पकड़ा, रंगदारी मांगते हुए भी जो है कई उनके समर्थकों को भी पकड़ा है। जी, आखिरी सवाल नवीन आपसे, क्या अब तक, क्योंकि पुलिस अभी सर्च अभियान चला रही है, क्या अब तक किसी भी नक्सली के पकड़े जाने की खबर आई है क्या? अभी तक इस मामले को यदि पूरा देखा जाए तो ये पिछले एक हफ्ते से जो है पुलिस वहाँ सर्च अभियान चला रही है जी। इस दौरान में आज जाकर ये जो है पुलिस के साथ नक्सलियों के बीच में जो है ऊंचाई के रोला हाथू पहाड़ी के पास जो है मुठभेड़ शुरू हुआ, जिसमें वहां पर वे इतने घने जंगल है जो कि वहां से सीधे उसको वो उस पहाड़ी भी आपको खूटी की पहाड़ी के साथ जुड़ती है, जिस कारण से इतने लंबे घने होने के कारण वहाँ से पुलिस जो है उसमें बार बार जो है वहाँ पर नाकाम रहती है ये मुठभेड़ में, जबकि उसी इलाके में पिछले बार भी जो है तकरीबन 2 जवान की जो है एक की मौत हुई थी और एक जो है घायल होकर अस्पताल में भी उसकी मौत हो गई थी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।